गाली दे रहे हैं। मैं सुन रहा हूं आपके मंत्री और नेता आकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, पहले रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहा था, मैंने सुन लिया था, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को अब शब्द ना कहना। छत्तीसगढ़ियों पर अगर बात आएगी तो मैं ना चुप बैठूंगा, ना छत्तीसगढ़ की जनता चुप बैठेगी, उसका भरपूर जवाब मिलेगा। ये वो ट्वीट है जो ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी आप छत्तीसगढ़ में आकर मुझे गाली दे रहे हैं लेकिन मैं सुन रहा हूं। कहते हैं कि आप मंत्री और नेता आकर मुझे बदनाम कर रहे हैं, फिर भी मैं सुन रहा हूं। पहले रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहा था, मैंने सुन लिया था, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को अब शब्द ना कहना। छत्तीसगढ़ियों पर अगर बात आएगी तो ना मैं चुप बैठूंगा। ये कई बातें कहते हुए निशाना भी साधा, और दरअसल लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, बीजेपी के तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ पहुंचे, सरकार पर जमकर निशाना साधा, और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी ने निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया और कहा कि आप मेरे बारे में कहेंगे मैं सुन लूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अब शब्द न कहना। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, वो मुझे गाली दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आके मुझे गाली दे रहे हैं ना, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं किस समुदाय से आता हूँ? ओबीसी वही भर है क्या? ओबीसी मैं भी हूँ। वो तो जब मुख्यमंत्री बना तब वो संशोधन करके ओबीसी में आया, नहीं तो ओबीसी में भी नहीं थे वो तो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप इस प्रकार से आवरण में छुप नहीं सकते। आप जो आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आप क्यों कार संसद नहीं कराते? क्या डर है आपको? और किससे डरे हुए हैं जो आप कार संसद नहीं करा रहे हैं? और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, यदि आलोचना होगी प्रधानमंत्री को होती है, किसी व्यक्ति की नहीं, तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से क्यों लेते हैं? हाँ, जैसे सबसे बड़ा झूठा यदि सर्च करोगे तो मोदी जी का चेहरा आता है। ये पूरा कहानी ये 17 तारीख तक चलेगा, अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका। इसका कोई सिर पैर नहीं। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के, मतलब अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम से है, पैसा भी प्लांटेड है। तो ये सब कुछ प्लांटेड है। और जब लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं तो ईडी कभी सामने करते हैं, कभी झूठा स्टोरी ले आएंगे, तो इस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए संवाददाता वैभव श्रीपांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वैभव, छत्तीसगढ़ की सियासत में खूब चर्चाओं में रहा मोहब्बत और नफरत, लेकिन अब बात आ गई है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान पर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे बखूबी समझते हैं कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को अगर वो लेकर आगे चलेंगे तो उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है। ये बात तो 100% सच है कि छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर के जो राजनीतिक माहौल इन दिनों छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिख रहा है, उसके अगर सबसे बड़े कोई चेहरे हैं तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और वो जानते हैं कि जो जिन 70 सीटों पे अभी चुनाव होने वाला है, उन 70 सीटों में जो मैदानी इलाका है, खासतौर पे दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग, वहां के जो है वोटरों को अगर प्रभावित करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ ही अस्मिता के सबसे बड़े कोई पैरोकार इस वक्त है तो वो भूपेश बघेल है। और शायद यही वजह है कि भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इसी बात को जो है उल्लेखित किया और कहा कि मुझे अगर कोई गाली दे, कोई विपक्षी नेता मेरे बारे में कोई टिप्पणी करे तो वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, वो मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर बात कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर आए या छत्तीसगढ़िया लोगों पे आ जाए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता पे आ जाए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो एक संदेश देने की कोशिश है जनता के बीच में कि जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर के जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया है उसी पर जो है एक बार फिर से आपको मुहर लगाना है और कांग्रेस की सरकार आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये वही लोग होंगे जो छत्तीसगढ़िया
को जो है गाली देंगे, छत्तीसगढ़ के नेता को गाली देंगे, ये बताने की शायद कोशिश भूपेश बघेल कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा ये 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश तो जरूर इस पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, इससे इनकार जो कि इसको कह सकते हैं वैभव के एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है चुनाव के आखिर में, क्योंकि 17 तारीख को चुनाव, 3 दिन बचे हुए हैं महज। और चूंकि हमने भी सुना कुछ सभाएं, जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उससे ये साफ तौर पर इंगित होता है कि गाली किसे दी जा रही है, किसका सम्मान किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के चाहे कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दूसरे नेता हो, उनको तो पता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यही सबसे बड़ा नारा है। हाँ। और इसे छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जो है लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन इस नारे के आगे भी जो कुछ बात की जानी है, तो उन्होंने एक बात आपको ध्यान में होगा कि चूंकि ओबीसी के अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ के भीतर में है तो वो भूपेश बघेल है, कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कोई ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो भूपेश बघेल है, और भूपेश बघेल इस पूरे विधानसभा चुनाव में केंद्र बिंदु पे है, और सीधा मुकाबला यहाँ पे बीजेपी का कांग्रेस पार्टी से कम, भूपेश बघेल से ज्यादा। बहुत धन्यवाद।